और आप ये समझेंगे कि आज की तारीख में राजनीति में, पूंजीवादी राजनीति में, वही लोग हैं जो पैसे वाले हैं या पैसे वालों ने पैदा किए हैं, पूंजीपतियों ने जिनको प्रोजेक्ट किया है। पैसे का चुनाव में मैंने बताया, नरेंद्र मोदी एक उदाहरण है हमारे सामने। नरेंद्र मोदी जी को हमारे देश के अंबानी अडानी जैसे पूंजी बड़े पूंजीपतियों ने और दुनिया के बड़े बड़े पूंजीपतियों ने प्रोजेक्ट किया है, उसकी मार्केटिंग की है। एक उदाहरण है ये कि पूंजीपति जिसको लेके आते हैं वो पीछे से लेके उनको लगा कि ये आदमी है जो हमारा काम कर सकता है, और उन्होंने इनसे सारे काम करा लिए अपने, तो लेके आए, प्रोजेक्ट किया। तो ये राजनीति को पीछे से कंट्रोल करते हैं, या राजनीति में वही लोग आते जिनको ये चाहते हैं, ये हमको अच्छी तरीके से साथियों समझना है। दूसरा साथियों इसमें है, दूसरा साथी हमको ये समझना है कि राजनीति पे कब्जा किए बिना पूंजीपति बच नहीं सकता, या ये मुनाफा अपना बना नहीं सकते, मुनाफे को बचा नहीं सकते, अगर इन्होंने राजसत्ता पे राजनीति पे कब्जा नहीं किया। किन्होंने? पूंजीपतियों ने। इसलिए आप देखोगे चाहे बीजेपी आ जाए चाहे कांग्रेस आ जाए, और आप देखोगे कि बीजेपी कांग्रेस में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं, अभी बीजेपी के जो लगभग 155 सांसद ऐसे हैं जो कांग्रेस से बीजेपी में गए। अभी आप देखेंगे कि जैसी कांग्रेस की हवा आएगी तो अब बहुत सारे 100-150 लोग जो है वापस फिर बीजेपी से कांग्रेस में आ जाएंगे, तो फिर वो बन जाएंगे। तो ये आप ये पूरे एक जाल है जिसको आप, मेरे को लग रहा, समझ रहे होंगे आप। तो ये जो है राजनीति पे कब्जा करना इनका चेतना में है, इसलिए वो आप देख लेंगे वो पूरे साल कुछ नहीं करते हैं, मगर जब भी इलेक्शन आता है, चुनाव आता है, तो उसको चाहे जो करना पड़े कुछ भी करके चुनाव जीतते हैं, कुछ भी करके चुनाव जीतते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमको चुनाव जीतना बहुत ज़रूरी है, राजनीति पे कब्जा करना बहुत ज़रूरी है, हमारी संपत्ति बचानी है, हमारा पैसा बचाना है, हमारे पैसा कमाना है, हमें जनता को लूटना है, तो हमको राजनीति पे कब्जा करना अत्यंत आवश्यक है, इसलिए वो राजनीति पे कब्जा करते हैं। दूसरा आप देखोगे कि जहाँ भी लेफ्ट पार्टियाँ होती हैं तो वहाँ पर सब एक हो जाते हैं, क्योंकि लेफ्ट पार्टियों से सबको खतरा है, समाजवादी व्यवस्था से सबको खतरा है, क्योंकि समाजवादी व्यवस्था एक बार जनता के दिमाग में चढ़ गई या वहाँ पे अच्छे ईमानदार लोगों ने मिल के काम किया, अच्छा काम किया, समाज के लिए काम किया, तो ये मान के चलो कि आने वाले समय में फिर उसको जनता बार बार चुनती है, उसको बार बार समझाते हैं उसकी चेतना को। तो आप समझेंगे कि अगर जहाँ लेफ्ट पार्टियाँ चुनाव लड़ती हैं उनको हराने के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं, वहाँ पे सब बीजेपी कांग्रेस और भी कोई क्षेत्रीय पार्टी है वो भी सब इकट्ठे हो जाते हैं, और कैसे भी करके इनको हराना है, ये टारगेट होता है उनका। और मैं आपको अभी से कह दे रहा हूँ, मेरे को नहीं पता कितने सालों बाद ये होगा, जब भी पूरे देश के अंदर वामपंथी दल सेंटर में सत्ता में आएंगे, केंद्र में, तो हमारे देश की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं पूंजीवादी, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं सारी एक हो जाएंगी, सारी एक हो जाएंगी, और पूरा टारगेट करेंगी कि ये सत्ता में या सरकार ना बना पाए, सब एक हो जाएंगे। तो ये राजनीति वो समझते हैं, मगर हमारे देश की जनता, देश का गरीब आदमी, देश का मेहनत कश वर्ग इस राजनीति को सही तरीके से समझता नहीं है, इतना सीरियस नहीं समझता जितना सीरियस वो समझते, इसलिए वो हम कब्जा करके रखे हैं, इसलिए वो 100 लोग 1% लोग 99% जनता पर कब्जा करके रखे, उनको गुलाम बना के रखे, उनका शोषण कर रहे हैं, संपत्ति पे कब्जा करके रखे हैं, और जनता कुछ नहीं कर पा रही है। तो ये साथियों भी हमको समझने को, हमारी चेतना को हमको खोलना है, हमारी समझ को हमको करेक्ट करना, हमारी समझ को करेक्ट कर जब तक नहीं होगी, वैचारिक रूप से हमारी समझ क्लियर नहीं होगी, तब तक हम राजनीतिक लड़ाई और राजनीतिक आंदोलन और हमारी ज़िंदगी से जुड़े सवाल नहीं लड़ सकते हैं। ये भी हमारे साथियों को अच्छी तरह से समझना है साथियों। और साथ में एक मेरा निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अपने साथियों को कहें, अपने दोस्तों को कहें, ताकि वो हमारे साथ जुड़ सकें। और सब्सक्राइब करने के लिए कुछ नहीं करना है, नीचे आप देखिए लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको दबा दीजिए, बाजू में घंटी बनी होगी, घंटी को भी दबा दीजिए,
ये आपने कर दिया तो आप सब्सक्राइब हो गए। अब जो भी वीडियो हम डालेंगे उसका इंटीमेशन आपके पास आएगा और आपको उसको तुरंत शेयर करना है, अपने दोस्तों को बताना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो ये साथियों मेरी उम्मीद है कि आपसे निवेदन कि आप मेरी बात को समझे होंगे और अच्छी तरीके से समझ के हमारी इस मुहिम के साथ जुड़ेंगे आप ऐसी अपेक्षा के साथ कि मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। थैंक यू साथियों, धन्यवाद, थैंक्स।